तो आज मैं बात कर रहा हूँ मच्छरों की. मच्छरों को ना हमने कभी इज्जत नहीं दी ज्यादा. इनफैक्ट हम लोगों की बेइज्जती करने के लिए मच्छर का इस्तेमाल करते हैं. कोई ज्यादा पतला होता है या कोई कमजोर होता है, हम कहते हैं मच्छर जैसा है. राइट. पर अब धीरे धीरे मच्छर की इज्जत होनी शुरू हो गई है. मच्छरों का हो गया टेरर. मतलब ये इतना सा मच्छर होता है, तुमको चिकनगुनिया वाला काट दे तुम 3 महीने के लिए डाउन हो. डेंगू हो गया, 1.5 महीने के लिए तुम गए. फिर हमारे पास एक औजार आया जो चाइना ने भेजा आज से 15 साल पहले. कौन सा औजार था? करंट वाला रैकेट. सबसे बड़ी इन्वेंशन है वो चाइना की मेरे हिसाब से. हर घर में हर कोई लेके बैठा. इतना ज्यादा हो गया करंट वाला रैकेट. मुझे लग रहा है 7-8 साल बाद तुम किसी बच्चे को बैडमिंटन रैकेट भी गिफ्ट करोगे ना, वो मच्छर ढूंढेगा बाहर जाकर. हर जगह मिल रहा. पहले हम मारते थे क्योंकि मच्छर तंग कर रहे हैं. अब कई लोग सिर्फ मजे लेने के लिए मार रहे हैं. क्योंकि वो जो तड़ 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 की आवाज आती है जो दिल को शांति मिलती है, तड़ 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 तड़. और मच्छर भी हो गए शाने. जो घर के अंदर होते हैं ना, वो सारा दिन छुपे रहेंगे. राइट. तुम सारा दिन बैठो, कुछ नहीं होता. तुम गए अपने कमरे में, गए एसी चलाया, तब तक भी नहीं दिख रहे. तुमने लाइट बंद करी, नहीं दिख रहे. तुमने चादर डाल ली, उसके 5 मिनट बाद जैसे तुम्हें आंख बंद होगी ना, उसका यहां आके बैठेगा. सो गया क्या? अब आदमी को आधी नींद आ चुकी है तो हम पहले लाइट नहीं जलाते. पहले हम कोशिश करते हैं कि मामला यहीं रफा दफा हो जाए. तो हम मारते अपने को एक चपेड़ कि शायद मर जाए. उसके बाद हम ऐसे ऐसे करके भी देखते हैं कि शायद उसकी लाश मिले हमको. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. और हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि लाश तो नहीं मिल रही, शायद डर के मारे दोबारा ना आए. तो मच्छर नहीं डरते. है वो मच्छर पर है शेर दिल. पर अब मैंने स्कीम फिगर आउट कर ली है कि जब मच्छर को मारना हो ना और तुमने सोना है, उससे आधा घंटा पहले अपने कमरे में जाओ, लाइटें बंद करके बैठ जाओ थोड़ी देर. क्योंकि मच्छर जो है ना, मच्छर होता है भूखा. भूखा नहीं, भूखा. जैसे हम होते हैं ना शादी के बूफे में, हम तब तक खाते रहते हैं जब तक हलवाई प्लेटें ना छीन के ले जाए तुमसे कि भैया बंद हो गया. वही हाल मच्छर का है. मच्छर पीता रहेगा खून जितना. तो मेरी स्कीम ये होती कि इसको पिलाओ खून. तो पतले से शुरू होता मच्छर, ठीक है, तो वो रवि के लेवल पे होता. फिर वो पीना शुरू करता. वेट करो, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जब वो इंदर के लेवल पे पहुंच जाएगा. अब क्या उसका वेट बढ़ चुका है पर विंग्स की स्ट्रेंथ थोड़ा ना बढ़ी है. अब उसको टाइम लगता है उठने में. फिर पकड़ के मार दो. और उसमें भी बेस्ट तरीका पता क्या है? ये पैर की इतनी कुछ स्किन छोड़ो, वो यहां आके बैठेगा. बैठने दो उसको. वो काटना शुरू करेगा, काटने दो उसको. जब उसका डंक अंदर अटक गया ना, अब उसका रिएक्शन टाइम भी बढ़ गया. तो तुम, क्योंकि नॉर्मली तुम ऐसे आओगे वो उड़ जाता है, बट अब उसकी टांग अटकी हुई है, वो निकल नहीं पा रहा. जैसे यहां आधा डंक उसका अटका, तब मारो. और मजा जो है ना, जो खून वाले मच्छर को मारने में मजा है ना मोटे वाले को. क्योंकि जब हम खून वाला मच्छर मारते तो अलग शांति मिलती कि अब मैंने खून का बदला लिया है. थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर माय सेल्फ. उर्मिला, मैं बात कर रहा था कि यार तुम मुंबई में सिखाती कहाँ हो? यहाँ पे घर इतने छोटे छोटे हो, बच्चा थोड़ा सा हाथ ऊपर करेगा तो पंखे में कटेगा. इसीलिए तो मैं अपने बच्चों को भांगड़ा भी ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे सिखा. अमित सर, ये तो कुछ भी नहीं. हाँ. मैं अभी आ रहा था, मैंने देखा है मुंबई को इन्होंने इतनी जगह से खोद रखा है, इतनी जगह से खोद रखा है. मुझे लग रहा है पूरे शहर को अंदर दफना के नया फिर से बनाएंगे कि ये तो रफ वर्क था, अब होमवर्क करेंगे मछली वाला. तेरे को कुछ ज्यादा ही दिक्कत लग रही है यहाँ मुंबई से, तो एक काम कर, तू यहाँ आके अपनी कहानी सुना दे. तो प्लीज वेलकम इंदर सानी फ्रॉम दिल्ली. मुझे सब मिलजुल के कलेक्टिवली बताओ कि हमने मुंबई शहर की जमीन किसी और देश को किराए पे दे रखी है. इतनी कम जगह कैसे है यहाँ पे? पिछले हफ्ते डुएट एक्ट करा था हमने, एक सोफे पे 6 कॉमेडियन बिठाए हुए इन्होंने. मैं 5-स्टार होटल में रुका हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शीशे पे खड़ा होके मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ,
साथ वाले होटल में एक लड़की थी, उसने बालकनी में अंगड़ाई लिया, उसका मुक्का आके बजाया मेरे मुंह पे। आप ये देखो ना, मुंबई का सबसे महंगा आलीशान और हजार चोचलों वाला घर भी ऊंचा है, बड़ा नहीं है। और देखो, मैं मुंबई आया था सपने लेके, क्योंकि मुंबई सपनों का शहर है ना, सपनों का। सोने देते नहीं हो। सपना खाक देखे, रात भर चैपो लगी रहती है। मैं बता रहा हूं, मैंने एक बार दिन में सोने की कोशिश करी कि बंदा सपने तो देखे, कॉल टाइम के लिए लेट होकर निकालने लगे थे चोते। और यार देखो, मुंबई शहर के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि बाहर से जो बंदा आया है वो इस शहर के लिए अनजान है। मैं गया लोकल ट्रेन में बैठने के लिए, मैं स्टेशन पे गया, मैंने कहा भैया बांद्रा की टिकट दे दो। तो उसने कहा नहीं, पूरा बताओ कहाँ तक की चाहिए और कौन सी। मैं कहा बांद्रा तक की और वाइट कलर की। कह रहा वाइट कलर की, तो मैं कहा कौन सा सवाल है बे। कह रहा नहीं, लोकल ट्रेन तीन टाइप की होती हैं, स्लो, फास्ट, सुपर फास्ट। तो मैंने कहा इनका फर्क भी बता दो। कह रहा स्लो वाली डेस्टिनेशन तक जाते हुए ना हर स्टेशन पे रुकती है, फास्ट वाली डेस्टिनेशन तक जाते हुए कुछ ही स्टेशन पे रुकती है। तो मैं कहा सुपर फास्ट। कह रहा वो तो डेस्टिनेशन पे भी नहीं रुकती है। आपको अपना स्टेशन देख के खुद कूदना है। ओ इंदर, तेरे को इतनी प्रॉब्लम है तो ट्रेन से क्यों जाता है, मुंबई में सड़कें भी तो हैं। वाह जी वाह। सड़कें, माय गॉड, पहली बात तो गलियों को सड़कें बोलना बंद करो। किसी दिन दिल्ली के हाईवे दिखा दिए, मौत आ जाएगी इस शहर को। कि इतनी खुली सड़कें, यार मैं आपको बताता हूं, सड़कें हैं, मान लिया, कह देते हैं सड़कें, कह देते हैं, मान लिया सड़कें हैं, लेकिन उस पे जो 150,000 करोड़ गाड़ियां हैं उनका क्या करना है। मैं आपको बताता हूं, एक बार हम शो करने के लिए थाने गए थे, टीवी पे बैठी ऑडियंस, मुंबई के पास एक जगह है थाने। नहीं, लोगों को लगे अगला जेल चला गया था। नहीं, मेरे घर वालों को भी ये शक था कि थाने की उलझुल चक्रों में पड़ गए बच्चे हमारे। मुंबई के पास जगह है थाने, झूठ बोलते हैं, कोई पास नहीं है थाने। हम कैब में जा रहे थे, मैं सच बता रहा हूं, कैब में जा रहे थे, सूरज आया है, गया है, फिर आया, थाने नहीं आया है। इतना जाम, रस्ते में खाना बेचने वाले आ गए हैं। कहते गोला गरी दाल ले लो, क्या तरीका ये। मैं बता रहा हूं, मेरी आत्मा इतनी डर गई थी, उससे रहा नहीं गया, उसने खुद पूछा है कैब वाले से, भैया दिल्ली चले क्या। वो मान गया। थैंक्स अ लॉट गाइस, माय नेम इज इन द सनी, वी विल लव यू ऑडियंस, थैंक यू सो मच। क्या बोला मुंबई के बारे में? बहुत अच्छा शहर है। माना कि मुंबई में जगह कम है, लेकिन मुंबई वालों के दिलों में बहुत जगह है। अरे तभी तो पूरी इंडिया के लोगों को अपनी बाहों में लेकर बैठी है आमची मुंबई। मुझे भी मैं देश की जिम्मेदारी जैसे जवानों पे होती है, वैसे ही ऑफिस में लंच की जिम्मेदारी गुजरातियों के कंधों पर होती है। नॉर्मल लोग ऑफिस में डब्बा ले जाते हैं, गुजराती पूरा बुफे ले जाता है विद ब्रेकफास्ट एंड छास। हाँ, और सीधे साधे लोग जो ऑफिस में होते हैं ना, वो पैंट्री में बैठ के खाना खा लेते हैं। गुजराती लोगों को कॉन्फ्रेंस रूम का टेबल कम पड़ता है। कुंवारे लोग जितना शादी का वेट नहीं करते हैं ना, उतना ऑफिस में गुज्जू एक लंच टाइम का वेट करता है। और देखो, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ना, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, तुम गुजराती से कभी भी बात करने आ जाओ, ठीक है, लंच टाइम पर मत आना। और लंच टाइम पे हमसे पैसे तो जरा भी मत मांगना। जो मांगोगे मिलेगा, पर पैसा नहीं मिलेगा। खाते वक्त हम ये नहीं भूलते कि हम गुजराती है। हम गुजराती लोग ना खाने और खिलाने के बहुत शौकीन होते हैं। आप कोई भी है ना गुजराती ट्रेन जाती है ना,
ठीक है, उसमें एक नोटिस करना, कोई भी खाना बेचने नहीं आता है। उनको पता है हर आदमी चलता फिरता कैंटीन है। हम कहीं भी ट्रिप पे चले जाए ना, हम हमारा कच्चा बनियान पैक करना भूल सकते हैं, पर ढोकला, खाखरा और फाफड़ा ले जाना नहीं भूलते। तुमने नोटिस किया है, हम गुजराती लोग जब भी कोई फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं ना, तो हमारे घर वाले बच्चे भूल सकते हैं पर हमारे कुक को नहीं। हम पहले उनका वीजा अप्लाई करते हैं और वो अप्रूव हुआ ना, फिर हम हमारे टिकट का सोचते हैं। और तुम कहीं भी देखो, कोई भी तुम दूसरे कंट्री में जाते हो घूमने के लिए ना, फॉर एग्जाम्पल तुम इटली चले गए मैडम, ठीक है, तो तुम वहां का पिज्जा पास्ता ट्राई करोगी ना, गुजराती को वैसा नहीं चलेगा। आपको हमारा एक सोशल मीडिया पे लीनिंग टावर के पास एक ढोकला खाता हुआ फोटो मिल जाएगा। और एक छोटा सा स्टोरी है, कभी भी याद रखना, आजकल कभी भी अगर तुमने नोटिस किया होगा, जब भी कोई गुजराती बच्चा किडनैप होता है ना, ठीक है ना, और वो फिरौती के लिए जब फोन करता है ना, तब माँ फोन छीन लेती है और बोलती है, सुनो पैसा तो इनसे मांगना, पर पहले बताओ मेरे बच्चे को खाना दिया कि नहीं। और अगर गलती से किडनैपर ने मना किया ना, तो माँ उसको रिटर्न में धमकी देती है, तो मैं तेरी उंगली काट के कुत्ते को खिला दूंगी अगर दो मिनट में मेरे बच्चे को नाश्ता नहीं मिला। आजकल गुजराती के बच्चे किडनैप हो ही नहीं रहे। किडनैपर बोल रहा है, बहुत टेंशन है बे, माँ धमकी दे रही है, बाप बार्गेन कर रहा है और बच्चे नॉनवेज मांग रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज माय टाइम, माय नेम इज रोहन चावड़ा। सूरत के एयरपोर्ट पे मैं पहले जाता था जब भी, तो वहां पे अंदर जाके कोई खाने की दुकान है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि सब अपने घर से लेके आए हुए हैं। एब्सोल्युटली सर। सर कभी आप ट्रेन में जाओगे ना, तो आप देखोगे कि गुजराती है ना, जिसमें खाना ले जाता है ना, वो बैग को पहले साकली मारता है। वैसे तेरा जैकेट देख के तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं से तो ठेपला भी निकल ही जाएगा। और बाद में बिजनेस आइडिया लेकर आती है मैं तेरे पास, तब तक के लिए तू बैठ जा। थैंक यू, थैंक यू। और चिचा, हाँ, अबुनो ना मुंबई के सबसे बड़े मॉल में ना एक कॉस्मेटिक का दुकान खोलने का है। बहुत बढ़िया आइडिया है, कल ही जा, कल शटर ओपन कर और वापस मत आना। मैं अकेला शो को आगे बढ़ा लूंगा, इसी को बात। काय को अपुन का दिमाग सटकारे ले ओ चिचा। अभी दुकान खोलने का मतलब है अपुन को बिजनेस डालने का है कॉस्मेटिक का। सीधा सीधा बताओ ना, मुंबई में कौन सा सबसे बड़ा मॉल है? देखो, मॉल में सिर्फ साइज नहीं देखे, और बहुत सारी चीजें देखी जाती है, और हर मॉल शॉपिंग मॉल नहीं होता। बैठो, मैं बताता हूँ मॉल्स के बारे में तुमको थोड़ा। मैं आज अपने सबसे बड़े दर्द की बात करूँ, और उसका नाम है शॉपिंग मॉल। जैसे एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, जो आदमी 6 दिन हफ्ते में काम कर रहा है, 5 दिन हफ्ते में काम कर रहा है, उसको होता है कि सैटरडे संडे को फैमिली को कहीं तो ले जाना पड़ेगा, घर सारा दिन बैठेंगे तो लड़ाई होगी। तो तुम सैटरडे संडे को देखो, हर मिडिल क्लास फैमिली मॉल में सिर्फ पिकनिक मनाने आई है। ये तो अब अलाउड नहीं है अभी, नहीं तो हम अपनी चदरे और बैडमिंटन रैकेट साथ लेके आए। सही। एक आदमी का यही प्रोग्राम है, सैटरडे संडे घर से निकलेंगे, एसी वाले मॉल में जाएंगे, 3 घंटे चक्कर काटेंगे, फिर ऊपर टॉप फ्लोर पे जाएंगे, फूड कोर्ट पे खाना खाएंगे और नीचे आके घर चले जाएंगे। और ये मॉल वाले भी शाने हैं, इनको पता है कि इसी प्लान के साथ लोग आ रहे हैं। उनका फूड कोर्ट हमेशा टॉप फ्लोर पे होगा, देखा तुमने? तो हमको जाना पड़ता है एस्केलेटर से। इसमें कहीं ना कहीं एक आधी दुकान में तुम्हारी वाइफ रुक जाएगी। यार एक मिनट, ये सैंडल अच्छे लग रहे हैं ना? अब आदमी सोच रहा कि ना तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि खाना भी शांति से खाना है। आदमी कहता हाँ ठीक है। अब वो पहन के तुमको पूछ रही है कैसे लग रहे हैं। अब इसमें भी बड़ी क्लैरिटी है कि तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं खरीदने, और वो खुद नहीं कहेगी कि मुझे खरीदने, ठीक है, वो वेट करेगी कि तुम बोलो कि अगर इतने पसंद हैं तो ले लो। अब तुम सैंडल लेके निकलो कि अब हम ऊपर जाएंगे, जितने तुम तैयार होते हो उतने में तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तरफ देखना शुरू कर देते हैं।
कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। माँ को लेके दे सकते हो तो कुछ तो हमारे लिए भी ले सकते हो, हमें कौन था मंदिर के बाहर से लाए थे। वो आदमी कहता चलो बच्चों तुमको झूले झुलवाएंगे। और झूले ये मॉल के झूले और गली के झूलों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि यहाँ कोई झूला 150 रुपए से कम नहीं है और कोई झूला 2 मिनट से ऊपर का नहीं है। गली में वो आते थे ना, वो जो पूरा घुमाते थे तुमको, वो 15-15 मिनट घुमाते थे 10 रुपए में। वो भी तभी रुकते थे जब बच्चे बोलते बस भैया बस, बस भैया बस, बस भैया। बाहर देखिए मॉल के बाहर सिक्योरिटी, खास करके कोविड के बाद कितनी चेंज हो गई है। पहले सिंपल होती थी, पहले बड़ी जलालत वाली सिक्योरिटी होती थी इनके। एक वो लकड़ी का इन्होंने दरवाजा लगा रखा था, वो जब भी उसमें घुसा टे वो मेटल डिटेक्टर नहीं है, वो मोशन डिटेक्टर है, मैं बता रहा हूँ। वो इतना गंदा दरवाजा होता है, लगता है जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो की खुदाई में निकला होगा वो दरवाजा। फिर उसके बाद एक बंदा बिठाया होता था उन्होंने, ये वाली चेकिंग करता था। उनमें कभी कभी कोई शौकीन आदमी आ जाता था ना। भाई साहब वो कर रहे हैं तुम्हारी तसल्ली से चेकिंग। इतना टाइम मैंने मॉल में नहीं लगाना था जितना उसने मेरी चेकिंग में लगा दी। और क्राउड ना चेंज होता रहता है, जैसे वीकडेज में आप फर्स्ट हाफ में जाओ ना तो तुम जैसे लोग ही दिखते हो वहाँ। वो जो लड़के लड़कियां जो घर पे बोल के आए ना मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, यही फिर रहे हैं वहाँ, ये दिखते हैं सारे कपल जिसमें लड़का लड़की हाथ पकड़ रहे हैं, बीच में लड़की कह रही नहीं वो आगे से मम्मी लग रही है मुझे, फिर वो वहाँ छोड़। और फिर मॉल में एक और काम बहुत ज़्यादा होता है आजकल, फोटोग्राफी का। कहीं भी देख लो 4 लोग बालकनी के साथ लटके हुए हैं। ये चल रहा है हर जगह मॉल में। और ये बढ़ जाता है जब फेस्टिव सीजन आता है। दिवाली है तो 15 फुट का दिया लगा हुआ है, क्रिसमस है तो 25 फुट का सेंटा लगा रखा है उन्होंने, उसके आगे सारे लोग फोटो ले रहे हैं, ले रहे होते सब। और क्रिसमस के टाइम पे एक सेंटा लगा रखा होता है और एक सेंटा फिर भी रहा होता है। पर इंडियन सेंटा ना सेहत से कभी सेंटा नहीं लगता, वो हुआ एकदम सीकड़ा, उसके यहाँ से कंधे झुके हुए, दाढ़ी भी सेट नहीं है लटकी हुई है, यहाँ ठोटी भी दिख रही है, उसके 2 इंच बाद दाढ़ी शुरू होती है उनकी। मैं ना हमेशा लड़कों को एक एडवाइस देता हूँ कि अगर तुम किसी लड़की को प्यार करते हो और तुम्हें 2 साल हो चुके हैं उसके साथ तो ज्यादा मत सोचो। अगर तुम चाहते हो वो प्यार जिंदगी भर बना रहे तो मत सोचो, शादी कर लो किसी और लड़की से। यही तरीका है प्यार बचाने का। मतलब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी किया, हमारा 8 साल का रिलेशनशिप था, मैंने उसी लड़की से शादी की है, ब्रेकअप से ज्यादा बुरा है। और मुझे लगता है देर इज अ वेरी थिन लाइन, काफी महीम सी लाइन है लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाले कपल में। क्योंकि देखो जो अरेंज मैरिज वाला कपल है ये हनीमून मनाने जाता है कुल्लू शिमला मनाली, लेकिन जो लव मैरिज वाले कपल है ये करते लेवल अप, ये जाते हैं मालदीव्स सिंगापुर US, क्योंकि इन्होंने कुल्लू शिमला मनाली पहले कवर किया हुआ। हम नहीं जाते बाजी, हम जाए हमें होटल का रिसेप्शन चाहते भैया फिर आ गए हो। बट देखो यार थिंग्स चेंज आफ्टर मैरिज मैन। मतलब जब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना तो मैं उसे बोलता था अगर मैं मर गया तो तू मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, तो मेरे मुंह पे हाथ रख देती थी। पगले हम तो इकट्ठे मरेंगे। मैंने मान लिया, फिर हमारी शादी हुई, 10 दिन बाद कुछ पेपर लेके आए मेरे पास, मैंने कहा ये क्या है, बोलती लाइफ इंश्योरेंस। मैं किस लिए, बोलती इन केस तुम मर गए तो। पगली हम तो इकट्ठे मरेंगे। हाँ तो बोलती अभी इतनी भी पगली नहीं रही मैं। सही में, और लड़कियां ना वादों की पक्की भी नहीं होती यार। जब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे बोलती थी अगर तूने दारू पी तो मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी, तो शादी के बाद मैं रोज दारू पी रहा हूं। हमारा बीच में बच्चा हो चुका है एक, ये नहीं गई। लेकिन उसको पसंद नहीं है मैं पीता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि जब वो सो जाती है उसके बाद मैं पीना शुरू करता हूँ। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि वो सो गई थी रात के बजने 10, मैंने अपना कमरे में आया और मैंने 5-6 पैक मोटे मोटे लगा लिया और मैं पहुँच गया वहाँ पर। और मैं इतना हाई हूं ना यार, मुझे दारू पीने के बाद एक गंदी आदत है ड्रंक डायलिंग की। ड्रंक डायलिंग पता,
मतलब शराब पीने के बाद किसी को फोन मिला देना, तो सबसे पहले देखो शादी हो रखी हो ना तो बंदा देखता है सेफ्टी इज प्रायोरिटी, तो सबसे पहले मैंने देखा कि दरवाजे में कुंडी लगी है कि नहीं। सबसे पहले मैं गया और मैंने जाके कुंडी लगा दी और मैं वापस आया और मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन मिलाया और मैंने बहुत शराब भी रखी। मैं बोला बेबी आई लव यू, तो सामने से आवाज आई तेरी बीवी का क्या करेंगे। मैं मार के क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बना देंगे। इतनी देर में क्या हुआ, मेरे पीछे से ना ऐसे हाथ आया, मेरी बीवी खड़ी थी। अब ये मुझे पूछ रही है कि किसको फोन मिला है, किसको फोन मिला है, और मैं इतनी शराब रही हूं, मैं सॉरी बेबी। अब मैं क्या ही जवाब दूं, रंगे हाथ पकड़ा गया हूं यार मैं। तो बोलती तूने ना नशे नशे में मुझे ही फोन मिला दिया है। पाजी मुझे तब याद है मेरी तो एक्स है भी नहीं, 8 साल से तो इसी के साथ हूं मैं। और देखो शादी के बाद अगर तुम्हारे साथ कभी कोई अच्छी चीज हो सकती है सिर्फ एक ही है, वो है सालियां, क्योंकि सालियां एक्साइटेड हैं जीजू को लेकर। मैंने देखा है भाई मेरी 6-7 सालियां इकट्ठी हो जाती ना, वो लगी हुई है जीजू जीजू जीजू। उन्हें सही में लग रहा है जीजू नहीं है ऋतिक है, पर उन्हें आइडिया नहीं है कि अंदर शक्ति बैठा हुआ है। आऊ चचा। हाँ। अपुन सोच रहा था अपुन ना एक कुत्ता पाल लेता है, तो अपुन को थोड़ा बताओ ना अपुन के पर्सनालिटी को कौन सा कुत्ता सूट करेगा। सूजी तेरे केस में सवाल ये नहीं है कि तुझे कौन सा कुत्ता सूट करता है, तेरे केस में सवाल ये होना चाहिए कि किस कुत्ते को तू सूट करती है। तेरे साथ भी आसान नहीं है रहना, पर फिर भी तेरे को कुत्तों के बारे में थोड़ा ज्यादा जानना है, तो अपना सिद्धार्थ शेट्टी है, ये काफी एक्सपर्ट है। क्या बोल रहा है विडू, तेरे को सब पता है क्या कुत्तों के बारे में। एकदम मस्त। अरे स्वागत करो रे पब्लिक लोग, अपुन के भाई सिद्धार्थ शेट्टी आएगा। गाइस मेरे एरिया में ना एक बूढ़े चिच्चा है और वो कुत्ते लोग को ना बिस्किट खिलाते, कुत्ते लोग परेशान हो गया भाई, वो लोग खाता ही नहीं है, सूंघते हैं वो लोग सिर्फ। तो मैं ना अपने गली कुत्ते लोग को ना चिकन तंदूरी, चिकन बिरयानी, चिकन कबाब खिलाना चालू कर दिया। आज वो चीचा आते हैं ना, ये लोग कलेक्टिवली भोंकते हैं उसके ऊपर। लीगल इधर से लेवल अप हो चुके हैं हम लोगों का, मिनिमम वेज बिरयानी। किसके पास है यहाँ पे कुत्ता, कौन सा है मैम? पग। पग, अरे पग के बारे में बोलने वाला था, कुछ कुत्ते लोग को देखा ऐसे एवोल्यूशन हुआ ही नहीं वो लोग का, कुदरत ने आराम ले लिया भाई। पग को देखा मेरी तरह गला है ही नहीं उसको, कुत्ता है कि तकिया समझ में नहीं आता है, उसका आंख देखा ऐसा हमेशा डरा हुआ रहता है वो। अरे गली के कुत्ते लोग देखा तुम लोगों ने, ये लोग ऐसा लगता है ऐसा लोखंड वाला आराम नगर के स्ट्रगलर लोग है। सब एक दूसरे की तरह दिखते हैं लोग। ये पग जैसे जाते ना बोलते भाई टैलेंट तो हमारे में भी है, ये कोडाफोन के एड में आया ना, उसका करियर ही नहीं था। अभी लोग कौन सा है और एक आता है ना चियहुआ, मालूम है चियहुआ? कुत्ता है खाने की चीज है मालूम नहीं, एक ट्रिपल फ्राइड राइस लेके आना फिर आधा चियहुआ लेके आना। मेरा नाना सुपर है, मेरे दोस्त ने खरीदा चियहुआ, मेरे को बोलता है कोई मेक्सिकन ब्रीड है, बोला मेक्सिकन उसने का हट बोलेगा ना काटने को दौड़ता है ऐसे 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 करके। मेरे को लगता है चलते चलते ना ऐसा कुत्ता घूम जाएगा, ऐसा पॉकेट वॉकेट में आता है कुत्ता। और एक कुत्ता शीटू, शीटू मालूम है बाल वाला कुत्ता, इतना बाल है आंख में पैर में पिछवाड़े में हर जगह बाल है उसका। इतना बाल भाई साहब, मेरा दोस्त खरीदा कुत्ता, काम वाली भाई कुत्ते को मार रही है झाड़ू। बोला क्या कर रही हो भाई, बोलता रहे बाल हटा रही हूँ। मैं बोला बाल निकाल के देखो नीचे कुत्ता है, बाल का दुकान नहीं है वो। बोला मैं उद्दल के बात पे आता है, मेरे सोसाइटी में एक 14 साल पुराना लैब्राडोर है और एक गुजराती फैमिली है, खाखरा खिलाते उसको, वो दिन गिन रहा है अपना कब जाएगा मैं। भाई वो 10 बार भाग चुका है घर से। ये लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पे आवर क्यूट टॉमी अबेंडन अस, मतलब वो अबेंडन होना चाहता है। मैं 14 साल से देख रहा भाई ये कहानी होते जा रहे हैं खोते जा रहे हैं, बट अभी सिचुएशन चेंज हो गया है, अब हमारे सोसाइटी में आया है पिटबुल टेरियर। मालूम है क्या है? अरे वो मैं तो मालूम है आप लोग क्या है पिटबुल टेरियर, मैं बता दे, मैं बता डेफिनेशन चेंज कर दिया अपन ने, पिटबुल टेरियर कुत्तों के दुनिया का विद्युत जमुआल है।
अरे भाई क्या कुत्ता है वो, तुम देखते हैं सब कुत्ते लोग ना, सब जितने कुत्ते लोग हैं दुनिया में सब लोग पुशअप के पोजीशन पे, सिर्फ पुशअप मारा कुकी नहीं है। क्या बॉडी है भाई कुत्ते का, बाइसेप है ट्राइसेप है सिक्स पैक है उसको। उसको देख के मैं जिम जाना चालू कर दिया यार। That's all from my end. You guys have been an amazing audience. Thank you so much. तुम जितना कुत्ते लोग को समझता है ना, मेरे को तो लगता है सारा कुत्ता लोग का ब्रेकअप जब होता है तो इनके पास ही जाके समझाता है। Well, thank you, बिडू. Thank you. या बेन, तुम लोग गुजराती लोगों को स्टॉक मार्केट की बड़ी नॉलेज होती है, तो मेरे को भी कोई टिप विप दो ना जिससे मैं जुगाड़ लगाऊं और पैसे डबल हो जाएं यार। अरे मोटा भाई, इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट की जरूरत नहीं है। तो मैं बताती हूँ ना आपको पैसे डबल कैसे होते। आपके पास 500 का नोट है? हाँ है। ये देखो मेरा 500 का नोट, आपका 500 का नोट, हो गया ना डबल। आप भी कभी ट्रे करना। अरे मेरे पैसे वापस दो। मोटा भाई, समुंदर में डूबा हुआ जहाज ऊपर आ सकता है लेकिन पिया बेन के जेब में गया हुआ पैसा वापस नहीं आ सकता। चलो ये तो नहीं आ सकता, लेकिन अभिषेक तू तो आ सकता है ना। तू आ जा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर अभिषेक वालिया फ्रॉम दिल्ली। तुम में से कितने लोगों को पहले इलेक्ट्रिक शॉक लगा है? और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। जब मैं 11th में था, मुझे पहली बार इलेक्ट्रिक शॉक लगा। मेरे घर में पार्टी चल रही थी न्यू ईयर की और गाना चल रहा था कहो ना प्यार है। और मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और मैं से गिर गया। मेरे दोस्त को लगा मैं लेट के कहो ना प्यार का स्टेप कर रहा हूँ ऐसे ऐसे। वो मेरे ऊपर आ गया, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वहाँ पे सबने देखा कि भाई गाना खत्म हो गया, इसका कोई डांस नहीं रुका, क्या हो गया। वो जाके मेरी मम्मी को भगा के लेके आए। मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे हिलते हुए देखा, उनको लगा मेरे अंदर आत्मा आ गई है। वो जाए भगवान की फोटो लेकर आए और मेरी छाती पर रख दी और कह रहे हैं बता तू कौन है। अब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मेरी छाती में भगवान की फोटो पड़ी है, भगवान परेशान हो गए, ट्रेडमिल में मुझे किसने बैठा दिया। बच्चों ने गली में जाके बात फैला दी, इसके अंदर ना आत्मा आती है। अब मेरे साथ कोई खेल नहीं रहा। मैंने कहा छुपन छुपाई खेल रहा हूँ, मुझे भी खिला लो। कहते नहीं नहीं, तूने किसी को अकेले में धप्पा करते उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। मैं गली से दूध लेने के लिए डोलू लेके निकलता था, कहते शमशान घाट जा रहा है पानी भर के लाएगा। अब गली की बात गली तक रहे, बात खत्म हो जाती है, कोई पंगा नहीं है। पर मेरी गली में एक लड़का था शैंकी, तो शैंकी ने क्या करा, जाके मेरी क्लास में सबको बता दिया कि इसके अंदर आत्मा आती है। अब स्कूल में बात मिल चुकी है। अब क्या है, शैंकी ने वैसे बता दी क्लास में जाके। अब लड़के मेरे से बात नहीं कर रहे, लड़के दूर, लड़कियां कोसों दूर। लड़कियां मेरे आसपास ही नहीं आ रही। अब मैं अकेला बैठा, मुझसे कोई बात भी नहीं कर रहा, पर इतने चालू बच्चे वैसे मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। पेपर से एक दिन पहले मेरे पास आ गए, कहते भाई काम कर देगा। मैंने कहा हाँ बोलो। कहते यार तू अपनी शक्तियों से बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं? मैंने कहा मैं मैम को जाकर बताता हूँ। मैंने मैम को बोला, मैंने कहा मैम देखना कैसी बातें कर रहे हैं। कहते वो सब छोड़ो, मेरे सोने की नथ खो गई, ढूंढ के बता सकते हो कहाँ पे। मैंने कहा तेरी सोने की नथ ढूंढ के बता दूँ, मेरे खुद 4 दिन से प्रकार खोई है, मैं कड़े से गोले बना रहा हूँ। अब सोच रहे पूरे स्कूल के अंदर खौफ फैल चुका है, सब डर रहे हैं मुझसे। मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम था अजीत सिंह, वो जाके आगे वाले बेंच पर बैठ गया मुझे छोड़कर। कुछ दिन बाद वापस आ गया तो मैंने कहा अब क्यों आके बैठे? कहता नहीं मम्मी ने बोला तो डायन भी ना साथ घर छोड़ के अटैक करती है, तेरे साथ बैठूँ तो छोड़ देगा मुझे। उसने क्रॉस पहना हुआ था यार। मैंने कहा तूने क्रॉस क्यों पहना हुआ, तू तो सरदार है। कहता नहीं नहीं मैंने फिल्में देखी, तुम इसी से भागते हो। और डर इतना फैल गया था ना, हमारे स्कूल का सबसे खतरनाक टीचर था प्रेम शंकर। प्रेम शंकर वैसे सर नहीं होते, सुबह उठते हैं कहते आ तो बच्चों को सरप्राइज टेस्ट लूंगा, उनकी जिंदगी खराब कर दूंगा, वैसे वाला टीचर था वो। बंदा मुझसे डर रहा है, अब सोचो पूरा स्कूल तुमसे डर रहा है। इतने में दो बच्चे आए उठकर और आके कहते हैं इधर खड़ा हो, किधर आई हो। मैं पहले एक बार के लिए हैरान है यार, मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। मैं बाहर गया, मुझे देखा ऊपर से नीचे तक। एक दूसरा दोस्त पहले दोस्त को कहता है तू हार गया, मुझे 50 रुपये देगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई? कह रहे हमने शर्त लगाई थी कि तेरे पैर ना उल्टे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने पीटी सर को बुलाया तो पीटी सर ने मुझे ऊपर से नीचे देखा और खिंचाओ के थप्पड़ मारा मुझे। तुमने इंसान देखा है रीस्टार्ट होता हुआ? मैं एक बार के लिए रीस्टार्ट हो गया।
अब मुझे थप्पड़ पड़ा, मैंने कहा इसको क्या हुआ है, तो ऊपर नीचे देखे देखे कहता है आज मंडे तूने व्हाइट शूज क्यों नहीं पहने हुए और मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। अब मैं क्लास के बाहर खड़ा हुआ और जिससे पूरा स्कूल डर रहा था वो क्लास के बाहर रहते हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है। सारे बच्चे आके मुझे देख कर गए और कहते क्या हुआ, कहते पीटी सर ने इसका झाड़ा कर दिया। अब मेरे स्कूल जाने का मन ना करे क्योंकि मुझसे बच्चे डर नहीं रहे, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने घर पे बोल दिया आज नहीं मैं स्कूल जाऊंगा, अब मेरा स्कूल चेंज कराओ। तो घर वालों ने बड़े प्यार से मनाया कि कोई बात नहीं एक दिन और चला जा, उसका तेरा स्कूल चेंज कर देंगे। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरे को डर भी लग रहा है कि यार एक तो मैं लेट हो गया, प्रेम शंकर फिर मुझे मारेगा और बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं स्कूल पहुंचा, मैंने प्रेम शंकर को बोला सर मैं कम इन, तो प्रेम शंकर मुझे देख के कहता हाँ बेटा आराम से आके अंदर बैठ जाओ। मैंने कहा यार इसने कुछ कहा ही नहीं मुझे, मैं अंदर जाके बैठ गया। वहां जाके बैठा तो अजीत ने फिर से क्रॉस पहना हुआ, मैंने कहा क्या हो गया, कह रहे यार पीटी सर का ना एक्सीडेंट हो गया, उनका हार्ट टूट गया। थैंक यू, दैट्स माय टाइम, माय नेम इज अभिषेक वालिया। वैसे यार अभिषेक हैं, तेरा जितना शरीर है वैसे ही उसमें भूत पूरा नहीं आ सकता, यहां तो आत्मा ही बड़ी मुश्किल से टिकी होगी, उसी के लिए नहीं जगह है। सर इस हिसाब से आप तो किराए पे दे सकते हो आत्माओं को, छज्जे वाला अलग से, बिना छज्जे का अलग से। चल के बैठ यार, थैंक यू सो मच। आज मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़े दर्द की, पार्किंग की। देखो मुंबई में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आधे लोग कारें नहीं खरीद रहे इस चक्कर में कि यार पार्किंग बड़ी मुश्किल है। हम बॉम्बे शिफ्ट करें, मैंने देखा पार्किंग यहाँ तो बहुत ज्यादा महंगी है यार, मतलब जुहू में जितने की पार्किंग आती उतने में जोधपुर में पार्क आ जाता पूरा। एक बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे पार्किंग का रहता है ना, वो शादियों में दिल्ली में हम देखते हैं बड़े बड़े ग्राउंड में शादी हो रही है, तुम चले जाओ पहले तो फैमिली को उतारो जहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, फिर उसके बाद एक बड़ा ग्राउंड होगा जहाँ पे तुमको पार्किंग करके आनी है, और वो पार्किंग में इतनी मिट्टी होती है ना, जब तक तुम वापस शादी तक पहुँचते हो ना एक तो डिनर खत्म हो चुका होता है। तुम्हारी काली पैंट आधी ब्राउन हो चुकी है। और फिर क्या है कि पार्किंग के बोर्ड लगे होते हैं कई जगह, नो पार्किंग के बोर्ड देखे, उसको इज्जत क्यों नहीं दे रहे फिर तुम लोग। हर नो पार्किंग के बोर्ड के आगे गाड़ी खड़ी है। नो पार्किंग के बोर्ड का सड़कों पे वही हाल है जो पिक्चरों में चंकी पांडे का है। देख सबको रहे हैं पर एक्नॉलेज कोई नहीं कर रहा। और फिर क्या, कई लोग ना टेढ़ी पार्क लगा जाते हैं। देखो ये सीधी लाइनें खींची हुई, वो ऐसे पार्क करके जाएंगे कि इधर वाली भी गई इधर वाली भी गई। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा तेरा कर्सिव राइटिंग का शौक पूरा नहीं हुआ क्या बचपन में। फिर एक होते हैं वो, उनकी गाड़ियां तो ना बम से उड़ा देनी चाहिए। सही में तुम सीधी खड़ी हुई गाड़ी है, तुम्हारे पीछे एक बंदा गाड़ी लगा गया, वो मुझे आज तक नहीं समझ में आया क्यों लगा के गया तू गाड़ी पीछे। मेरे साथ हुआ दिल्ली में हुआ, मैं गाड़ी खड़ी करिए, मेरी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी खड़ी कर गया, 15-20 मिनट मैंने वेट करी, उसके बाद वो बंदा आया, मैं कहा यार तू क्यों गाड़ी पीछे लगाया, कहता मेरे को लगा मेरा तो 5 मिनट का काम है फटाफट हो जाएगा आपसे पहले आ जाऊंगा। मैं तू मेरे को जानता है, हम मिले हैं जिंदगी में, तुझे कैसे पता मुझे कम टाइम लगने वाला। कहता मेरे को तो बस ATM से पैसे निकलवाने थे, मैं जितना टाइम तू लगा के आया ना उतने में तू ATM उठा के लेके आ सकता था। फिर होती है रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की पार्किंग। रेलवे स्टेशन की पार्किंग हमेशा भगवान भरोसे है, क्योंकि वहां आदमी जब खड़ा करके जाते हैं तुमको पता है कि अगर आधा घंटा भी मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है तो उसका फेशियल हो चुका है, 15-20 कबूतर बैठ चुके हैं उसमें, क्योंकि उसके बाद आधा घंटा तुमको साफ करने में लगेगा। पर मैं बॉम्बे रहता हूँ, मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है एयरपोर्ट की पार्किंग, क्योंकि यहाँ पे ना एयरपोर्ट की पार्किंग बड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि आदमी ने किसी को छोड़ने जाना हो ना तो अब वही सामने वाला ही बोल देता है कि पार्किंग में कहाँ लगाएगा, आधा घंटा लगेगा, मुझे सड़क पे ही छोड़ दे। वो 250 रुपये बच जाते हैं हमारे। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। वैसे अमित भाई, यहाँ पर कोई ऐसा आया है जो आपको आपकी बीवी से भी ज्यादा प्यार करता है? सच में यार, लेकिन अब क्या फायदा, शादी से पहले इजहार करती तो कोई बात भी होती यार। मोटा भाई, करती नहीं करता है ये मनप्रीत। तालियां बगाड़ो अमृतसर से मनप्रीत माटे।
आजकल की नौकरियां काफ़ी चेंज हो चुकी हैं. पहले नौकरी होती थी 9 to 6, 9 बजे लैपटॉप ऑन करो जॉब शुरू, 6 बजे लैपटॉप बंद करो जॉब ख़त्म. फिर हमारी ज़िंदगी में आए एंड्रॉयड फ़ोन, उनमें आया व्हाट्सएपा. नौकरी हो गई है 24/7. आप इंटरव्यू देने जाओ इतनी खुशी आपको ना अपॉइंटमेंट लेटर मिलने की नहीं होती जितनी उस ग्रुप में ऐड होने की होती है. है ना, एचआर ऐड करती है आपको, वेलकम मनप्रीत इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, नाउ योर राइट पाथ राइट प्लेस. नीचे सारे लिख रहे हैं वेलकम बाय, दिल बन के आ रहे. बंदा कह रहा है यार ये सही कंपनी है. फिर आप जॉब ज्वाइन करते हो, 15 दिन बाद आपको एक ग्रुप में और ऐड किया जाता है जिसमें सारे मेंबर हैं बॉस को छोड़ के. ये दोनों ग्रुप आपस में लिंक्ड हैं. ऑफिशियल ग्रुप में बॉस ने लिखा दिस मंथ टारगेट इज 25 लाख. सारे लिख रहे हैं यस सर विल डू सर हम कर लेंगे सर. अनऑफिशियल में ये पागल हो गया यार. फिर जब आप नौकरी करते हो ना तो आपको एक ही चीज की उम्मीद होती है, वो होती सैलरी. और मिडिल क्लास फैमिली में सैलरी तब इम्पोर्टेंट है जब वो पहली हो. मेरी सैलरी आ रही थी ना, घर में सारे खुश. सारे बहन कह रही मुझे शॉपिंग करा देना, मैं कहा ठीक है. भाई कह रहा मेरे लिए बुलेट ले आइयो. मम्मी कह रही बहू ले आना. मैं यार सैलरी मिल रही है, एटीएम नहीं तोड़ के लेके आ रहा मैं. बट मैं गया उस इंसान के पास जिसने मुझे पाला पोसा इस कदर बड़ा किया, अपने पापा के पास. मैं कहा पापा पहली सैलरी मिल रही है आपको खुश करना. कह रहे हैं बोतल ले आया फिर. मैं कहा पापा सैलरी इंसेंटिव ज्यादा पैसे. हाँ पेटी लाया फिर. मैं कहा नहीं नहीं ये नहीं करना, हम कुछ अच्छा करेंगे. मैं और मेरे पापा ने डिसाइड किया हम इस पैसे से जाएंगे कटरा. जैसे हम अमृतसर से गए हैं तो हम गए वीडियो कोच बस में. बस में आप बैठो आपको आती है नींद. जैसे आप पहाड़ों में पहुंचते हो ना और 4 बंदे आपकी बस पैक करवा रहे होते हैं अचानक से, तब आप उठते हो क्या हो गया खड्ड तो नहीं आ गई. और वही 4 बंदे ना आपको रिसीव करने आ जाते हैं. वो होते हैं होटल वाले. सर होटल होटल होटल. वो इतने जजमेंटल हैं, उनको पता है किसको क्या बोलना है. कोई आंटी अंकल उतरे ना हमारा होटल ले लीजिए आपको गर्म पानी मिलेगा. हाँ कोई न्यूली मैरिड कपल उतरे हमारा होटल ले लीजिए आपको सनसेट व्यू नज़र आएगा. अचानक बंदा आया कह रहा हमारा होटल ले लीजिए अमृतसर वालों के लिए स्पेशल होटल. डैडी कह रहे इसका होटल लेना है. मैं क्या क्यों? कह रहे कितनी कृपा है ना माता रानी की इस पर, इसको पता लग गया अमृतसर से आए हम. मैं क्या डैडी ये बस अमृतसर कटरा नॉन स्टॉप है. अंडेमान निकोबार तो के नहीं आए हम. अगले दिन हमने तैयारी करी चलो चलते हैं ऊपर. हम जा रहे हैं और मैंने पापा को बोला, मैं कहा पापा घोड़े पे बैठोगे? कह रहे नहीं नहीं एक बार बैठा था नतीजा गंदा है. मैं कहा नहीं पापा प्लीज़ बैठ जाओ. ये बंदा घोड़े पे बैठने के लिए तैयार नहीं था. 10 मिनट बाद घोड़े पे बैठ के येलो कलर के ग्लासेस लगा के अपने आप को महाराजा तुगलक समझ रहे हैं. मेरे को कह रहे दिस घोड़ा इज़ टू कम्फर्टेबल. मैं कहा पापा घोड़े पे बिठाया, आइल्स क्लियर नहीं करवाई आपकी. थोड़ी आगे गए सडनली घोड़े ने अचानक कर दिया. डैडी कह रहे वाओ. डैडी ने निकाला 100 का नोट, कह रहे इसको क्या करके दिखा. अब घोड़े वाले को आया गुस्सा, कह रहा है ये जम्मू वालों का घोड़ा है, पंजाबियों का बुलेट नहीं जिसके आप पटाखे मरवा लोगे. फिर हम आगे गए, आगे पापा ने बोला चाय पीनी. मैं कहा चाय नहीं कॉफी. मैंने 2 कॉफी ऑर्डर की. पापा कह रहे 2 क्यों 3 क्यों नहीं. मैं कहा तीसरी किसके लिए? कह रहे घोड़े के लिए. मैं कहा डैडी घोड़ा कहाँ पीता है यार कॉफी. कह रहे अगर घोड़ा नहीं पिएगा मैं भी नहीं पीऊंगा. मैं कहा ठीक है यार. मैंने 3 कॉफी ली, 2 अंदर रखी, तीसरी लेके मैं कहा घोड़े वाले को दे देंगे. मैं बाहर जा रहा हूँ, पापा ने ओए कहाँ जा रहा है. मैं कहा घोड़े को कॉफी देने. नहीं घोड़ा अंदर आएगा. सारे कस्टमर इकट्ठे हो, पापा कह रहे घोड़े को अंदर लेके आओ. अब मैनेजर आ गया. पापा मैनेजर को कह रहे ओए घोड़ा अंदर लेके आ. मैनेजर मुझे कह रहा ओए बाप को बाहर लेके जा. Okay guys, that's it from my side. My name is Manpreet Singh. Thank you so much. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.